आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जिंग सुपर FTA बॉक्स HD के बारे में, जिसके अंदर आपको USB प्लग एंड प्ले का फीचर भी दे दिया गया है। इस बॉक्स की खास फीचर्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो है बहुत से कस्टमर्स के सवाल रहते हैं कि अगर ये जिंग सुपर FTA बॉक्स में लगवा लेते हैं तो उनको क्या फायदा है इस बॉक्स का और इससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो देखिए, बताना चाहूंगा डिश टीवी का ये प्रोडक्ट रहने वाला है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। डिश टीवी का ये बॉक्स रहता है जिसका नाम है जिंग सुपर FTA बॉक्स HD। इसमें और भी कई मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 3090 HD, 3500 HD और ये जो मॉडल आपको मैंने दिखाया है ये है 3700 HD। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर इनेबल किया गया है कंपनी की ओर से, जो कि USB प्लग एंड प्ले रहता है। इसका मतलब ये है कि आप पेन ड्राइव के अंदर जो भी आपकी वीडियो होगी, सॉन्ग्स होंगे, इमेजेस होंगी, उनको बड़ी टीवी स्क्रीन पर प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। अब चलिए देरी नहीं करेंगे, इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद टीवी से कनेक्ट कर भी देखेंगे और जानेंगे कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। और साथ ही में दोस्तों, ये फुल HD सेटअप बॉक्स रहने वाला है, जिसको आप HDMI केबल से भी या फिर ऑडियो वीडियो केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो कंपनी आपको ऑफर करती है, जो कि 275 चैनल्स का रहने वाला है। इसके अंदर आपको जो है DD फ्री डिश के चैनल्स और डिश टीवी के सभी फ्री टूर के चैनल्स मिलते हैं। साथ ही में आपको जी अनमोल स्टार, उत्सव, सोनी पल और करज रिश्ते भी देखने का मौका मिलेगा। कुछ कस्टमर्स के लिए यहाँ पर स्टार भारत HD को भी पूरा 1 महीने के लिए फ्री प्रीव्यू दिया जाता है। ये स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए होता है, रैंडमली किसी को भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऑफर है इस बॉक्स का। बाकी अगर हम बॉक्सेस से कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या होता है, मिनिमम आपको 153 रुपीज का रिचार्ज मंथली कराना पड़ेगा, जबकि इस बॉक्स में आपको वही बैलेंस जो है, वही रिचार्ज जो है, वो पूरा 2 साल का फ्री मिल जाता है। यानी कि सिर्फ आपको बॉक्स की ही कॉस्ट पे करनी होगी, रिचार्ज का आपको बेनिफिट फ्री मिल जाएगा। बाकी इस बॉक्स को कोई खरीदना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया के लिए ये बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। हम आपके लिए स्पेशल ऑफर्स भी जारी करते रहते हैं, डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल करते रहते हैं। अगर किसी को इस बॉक्स पे कोई ऑफर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है हमने अपना वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर डायरेक्टली आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में हमारी ऐप भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इस बॉक्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये जो बॉक्स है वो डिश टीवी के सिग्नल पर काम करने वाला है। वही अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको उसमें साउथ चैनल्स देखने हो, तो उसके लिए आप ST2 सिग्नल्स भी करवाकर, वीडियोकॉन D2 के सिग्नल भी करवाकर इस बॉक्स में आप देख सकते हैं पूरे 2 साल के लिए। और यही नहीं, इस बॉक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑर्डर करते समय कोई परेशानी आ रही हो तो सामने आपको व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश हो गया है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर इस पर आप चैट करके भी इस बॉक्स का डिस्काउंट कूपन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस बॉक्स को वहीं पर आप बुक भी करवा सकते हैं। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग देख लेते हैं हम अपने जिंग सुपर FTA बॉक्स HD की, जिसके ऊपर आपको बाहर के बॉक्स के ऊपर जो है HD पिक्चर क्वालिटी, स्टीरियोफोनिक साउंड, USB एक्सेस, प्लग एंड प्ले जो है लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि इस बॉक्स के अंदर को फंक्शन मिलने वाला है। बॉक्स को ओपन करके हम देख लेंगे। यहाँ पर ओपन करने के साथ ही कंपनी की ओर से आपको यहाँ पर दिया गया है एक जिंग डिजिटल का यूज़र मैनुअल। इस यूज़र मैनुअल को आप खोल कर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि इस बॉक्स को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंपनी की ओर से जो आप यहाँ पर दिया गया है वो है 2 बैटरीज मिलेंगी आपको। इसके अलावा आपको मिलेगी एक तो बढ़िया क्वालिटी की ऑडियो वीडियो की केबल, और इसको जो है आप अपने CRT टीवी में, जो कि आपके पुराने ज़माने का टीवी होता है उसमें, और आपके जो दीवार वाली टीवी होती है, एंड्रॉयड टीवी या LCD टीवी, उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको HDMI केबल चाहिए तो उसके लिए 75 रुपीज़ कॉस्ट एडिशनल होगी, एक्स्ट्रा होगी, वो आपको पे करनी होगी। बाकी यहाँ पर जो है कंपनी की ओर से आपको बढ़िया क्वालिटी का एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसके नीचे आपको जिंग डिजिटल की ब्रांडिंग, कुछ नंबर के कीज़, वॉल्यूम के की, चैनल की की, मेन्यू का ऑप्शन, होम का ऑप्शन और म्यूट का ऑप्शन, राइट लेफ्ट और अप डाउन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पॉज, प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आई बटन मिल जाएगा, बैक बटन मिल जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन की जानकारियाँ मिल जाएंगी, एक्टिव का बटन मिल जाएगा, लैंग्वेज का मिल जाएगा, प्रीवियस चैनल का मिल जाएगा, और साथ ही में आपको इसमें जो है टीवी का कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सल को भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि बॉक्स का रिमोट और टीवी का रिमोट एक ही रहेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो है आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं रिमोट की। उसके बाद पर जो है आपको बढ़िया क्वालिटी का एक अडाप्टर देखने को मिलेगा, और आखिरी में जो है आपका मेन यूनिट आता है, जो कि रहने वाला है जिंग डिजिटल का। इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है दोस्तों आपको जिंग डिजिटल DZ3700 HD मॉडल देखने को मिलने वाला है। आगे की ओर बात करेंगे तो आपको पावर का बटन दिया गया है,
और यहाँ पर आपको LED इंडिकेशन मिल जाएगी। इधर आपको CI का पोर्ट मिलता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। थोड़ी सी आपको जगह मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए बॉक्स की। इस साइड बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, और साथ ही में एक USB का पोर्ट दिया गया है जिस पर आप जो है पेन ड्राइव लगाकर अपनी मनपसंद वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स जो भी आप प्ले करना चाहें इस बॉक्स में कर सकते हैं। और बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो बैक प्रोफाइल में आपको एक LNB इन का ऑप्शन, HDMI आउट, ऑडियो वीडियो आउट और एक अडाप्टर का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इस बॉक्स को हम TV के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जो है अपने बॉक्स को TV के साथ कनेक्ट कर लिया है। लोडिंग प्लीज वेट के बाद जहां आपको डिश TV का लोगो पहले देखने को मिलता था, वही इस जिंग सुपर FTA बॉक्स में आपको जिंग डिजिटल का लोगो देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे बीच डिफरेंस यहाँ पे जो भी हमें इस बॉक्स में फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूजर इंटरफेस आप दोस्तों देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जिंग होम का जो चैनल है वो आप देख सकते हैं सामने, और कुछ इस तरह का जो यूजर इंटरफेस है दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। तो मेन्यू में बात करें तो आपको चैनल्स, एक्टिव सर्विसेज, TV गाइड, माई जिंग और हेल्प का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जो हमारे डिश TV के बॉक्सेस है उसमें यूजर इंटरफेस जो है वो ऑरेंज और डार्क ग्रे कलर का देखने को मिलता है, वही आपको जिंग बॉक्स के अंदर आपको ब्लू और डार्क ग्रे देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको चैनल्स में अगर हम जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी चैनल लिस्ट उसी तरीके से देखने को मिलेगी जैसे कि आपको बाकी डिश TV के बॉक्सेस में देखने को मिलती है। चैनल नंबर की बात करें तो चैनल नंबर भी एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको डिश TV वाले ही मिलेंगे। बाकी अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, साउथ इंडियन एक्टिवेशन करवाते हैं, तो आपको D2H के जो चैनल्स नंबर है वही आपको देखने को मिलेंगे। एक्टिव सर्विसेज की बात करें तो जो भी इनकी एक्टिव सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। TV गाइड की बात करें तो यहाँ पर जो है आप अलग अलग जनर के हिसाब से अपना मनपसंद चैनल ट्यून कर सकते हो। माई जिंग की बात करें तो आपको रिमाइंडर, फेवरेट्स, चैनल सेटिंग्स, वीडियो और डिस्प्ले, लैंग्वेज सेटिंग, टाइमर सेटिंग्स, टूल्स, HDMI इन्फो शीट का जो ऑप्शन है वो बाकी बॉक्सेस की तरह ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक नया ऑप्शन है वो आपको जो देखने को मिल रहा है वो है USB स्टोरेज का, जिसके अंदर आप जो है पेन ड्राइव लगाकर मीडिया प्लेयर का ऑप्शन, इमेजेस का और USB मैनेजर का ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मीडिया प्लेयर में आप आते हो तो मीडिया प्लेयर में आने से पहले आपको USB कनेक्ट करनी होगी अपने बॉक्स के साथ, जिसके अंदर कोई डाटा होना चाहिए, और डाटा डिटेक्ट होने के बाद जो है यहाँ पर उस डाटा को आप इजीली प्ले कर सकते हो। और यहाँ पर प्ले होने के बाद दोस्तों आप कोई भी वीडियो, इमेजेस जो भी हो आपके पास वो उसमें प्ले कर सकते हो। बाकी दोस्तों जो भी फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो सेम टू सेम आपको उसी तरीके से मिलेंगे जैसे कि आपको डिश TV के बाकी बॉक्सेस में मिलते आ रहे हैं। बाकी कुछ खास डिफरेंस दोस्तों उसमें आपको महसूस नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा जो है दोस्तों फास्ट नेविगेशन के साथ अवेलेबल है, लेकिन नेविगेशन थोड़ी सी फास्ट है। बाकी जिंग डिजिटल का लोगो जो है दोस्तों चैनल पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने जो भी फाइल डाली हुई है उसे प्ले करने के लिए मीडिया प्लेयर पर रिमोट से ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही अगर आप किसी सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो ऑडियो फाइल्स में आप जाएंगे, रिमोट से ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही वो जो सॉन्ग है वो आपके सामने आ जाएगा, और उसे प्ले करने के लिए रिमोट से आप ओके बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं रिमोट से ओके बटन प्रेस करते ही वो सॉन्ग आपके लिए प्ले होना शुरू हो चुका है। बाकी इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिमोट से वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बंद करना चाहते हैं तो बैक बटन प्रेस करेंगे, वो बंद हो जाएगा। अगर इसे पॉज करना चाहते हैं तो रिमोट से ओके बटन प्रेस कीजिए, वही गाना वहां पर पॉज हो जाएगा। अब इस गाने को हम आगे सुनना नहीं चाहते, बैक करना चाहते हैं, रिमोट से बैक बटन प्रेस कर दीजिए। अब बात करेंगे वीडियो फाइल्स की, तो वीडियो फाइल्स को देखने के लिए रिमोट से ओके बटन प्रेस कीजिए वीडियो फाइल्स पर। ओके प्रेस करते ही यहाँ पर आपकी जो भी वीडियो फाइल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी, और वह कौन से फॉर्मेट में है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और वो कितने साइज की है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पर कुल 3 फाइल्स को ऐड किया हुआ है, जिसमें से हम कुछ फाइल को प्ले करके देखेंगे, तो उस पर आपको रिमोट से ओके बटन प्रेस कर देना है जिसे मैं प्ले करना चाहते हैं। तो प्ले करने के बाद कुछ इस तरह से जो है आप उस फाइल को प्ले कर सकते हैं, और उसको अगर आप पॉज करना चाहते हो, रिवाइंड करना चाहते हो या फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए रिमोट से आपको रेड, ग्रीन, येलो या ब्लू बटन का इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए आप इस फाइल को पॉज करना चाहते हैं तो रिमोट से ग्रीन बटन प्रेस कीजिए, वो जो फाइल है, जो वो वीडियो है वो वहीं पर पॉज हो जाएगी। अब वापस से इसको प्ले करना चाहते हैं तो एक बार फिर से रिमोट से ग्रीन बटन प्रेस कीजिए, वो वीडियो फाइल प्ले हो जाएगी। अब इसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिमोट से येलो बटन प्रेस कीजिए, और उसको आप करीबन 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना और 32 गुना तक जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आपको कहीं पर रोकना हो तो वहीं पर जो है आप उसको प्ले कर दीजिए येलो बटन को, और वहीं से जो फाइल है वो कंटिन्यू हो जाएगी आगे के लिए। अब इसे आप रिवाइंड करना चाहते हो तो रिवाइंड करने के लिए रिमोट से आप रेड बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको पीछे तरफ जाने के लिए भी 32 गुना ऑप्शन मिलेगा, और वहीं पर आप रिमोट से रेड बटन प्रेस कर दीजिए, जहां पर रोकना हो वहीं पे फाइल आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल फाइल को बंद करना चाहते हो तो रिमोट से आपको ब्लू बटन प्रेस करना है, और ये जो फाइल है वहीं पर रुक जाएगी।
तो दोस्तों ये जो है आपको ऑप्शन मिलता है कुछ इस तरह से अपने वीडियो फाइल्स को और ऑडियो को सुनने का। अब बात कर लेते हैं इमेजेस के लिए, तो इमेजेस फोल्डर के लिए आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद आपको इमेजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा बिल्कुल ही मीडिया प्लेयर के नीचे, और रिमोट से ओके बटन प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर रूट फाइल आएगी, उस पर रिमोट से ओके प्रेस कीजिए। अब इसके अंदर जो भी इमेजेस आपने डाली हुई हैं उसे आप बड़ी स्क्रीन करने के लिए रिमोट से रेड बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप रेड बटन प्रेस करेंगे तो वो इमेज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी और उसे आप जो है अपने टीवी स्क्रीन पर बड़ा करके देख सकते हैं। वैसे तो ये ऑटो प्ले होती है, एक एक सेकंड के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद अपने आप ही चेंज होती जाएंगी, लेकिन अगर आप इसे खुद से चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए रिमोट से राइट एरो को प्रेस कीजिए, वो जो फोटो है वो आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं।